जम्मू शहर में सुंदर सुलोनी ऋतुराज का आगमन हो चुका है। आप देख रहे हैं खूबसूरत फूलों से भरा हुआ ये शोभायमान पेड़, जिसके ऊपर कई किस्म के पक्षी इस वक्त मकरंद आहार में व्यस्त हैं। ये पेड़ लाल फूलों वाला, चटक लाल फूलों वाला, गुच्छे गुच्छे में फूल और शाखाएं कांटों से भरी हुई और पुष्प मकरंद लिए हुए, कहीं पे हमें शुक दिख रहे हैं, कहीं पे मैना है, कहीं पे फाख्ता है, कहीं पे कौवे हैं और शाख शाख पर कांटे हैं जैसे बाघ के नाखून हों, और इसीलिए इसको एक नाम मिला हुआ है, टाइगर क्लॉ ट्री। पलाश के साथ बिल्कुल इसको कन्फ्यूज ना करें, ये है पारिभद्र का पेड़, जिसको फरहद भी कहा जाता है, और एक नाम इसका है पंगार, पंगारा का पेड़, फरहद का पेड़, पारिभद्र का पेड़, भारतीय मूंगा पेड़ भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसका अंग्रेजी में एक नाम है इंडियन कोरल ट्री। लाल चटक पुष्पों की वजह से इसको कोरल ट्री का नाम दिया गया है, और उसी का हिंदी रूपांतर करें तो भारतीय मूंगा पेड़। अंग्रेजी में इसके कई नाम है, सनशाइन ट्री, लैंटर्न ट्री, टाइगर क्लॉ ट्री, इंडियन कोरल ट्री, और डोगरी भाषा की शब्दावली भी विशेष ठेठ है, और डोगरी में इसको कहा जाता है थुब। थुब के पेड़ को जब हम देखते हैं फूलों से लदा हुआ, उस वक़्त पत्ते नहीं होते हैं, पत्ते गिर चुके हैं, पुराने पत्ते जब गिर जाते हैं तो एकाएक सूरज की धूप की तपिश से कलियां खिल उठती हैं, चहक उठती हैं, महक उठती हैं, मकरंद से भरी हुई ये शाखाएं फूलों के रूप में पक्षियों को निमंत्रण देती हुई, आओ हमारा परागण कर लो। परागण करने के बदले में मकरंद आहार का सेवन कर लो। तो ये पक्षियों से हुआ परागण को कहते हैं बॉटनी में, अंग्रेजी में, ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। जितने भी लाल फूल हम देखते हैं पेड़ों पर, उनको आकर्षित करते हैं कई किस्म के परिंदे, सन बर्ड्स भी हमने देखे इसमें, पर्पल सन बर्ड, सिनाइरस एशियाटिकस, स्कॉर्लेट सन बर्ड, एथोपाइगा सपराजा, जंगल मैना भी हमने थोड़ी देर पहले देखी, एक्रिडोथीरिस फस्कस, एक्रिडोथीरिस जिंजीनियरस, कॉमन मैना भी आ जाती है। कुछ क्षेत्र में रैकेट टेल, ड्रांगो, डाइक्रोरस पैराडाइजियस भी आता है, लेकिन जम्मू में रैकेट टेल ड्रांगो नहीं होता है, तो उसकी जगह दूसरा कॉमन ड्रांगो, डाइक्रोरस मैक्रोसर्कस आ जाता है, कोतवाल भुजंगा। सुबह सवेरे, इस वक्त चूँकि सांझ हो चुकी है तो अभी कोतवाल के दर्शन नहीं हुए, लेकिन पैराकीट सब देख पा रहे हैं, अलेक्जेंड्राइन पैराकीट जो है वो अभी भी सेवन कर रहा है, और अभी उड़ता हुआ पंख हिलाता हुआ, जिसको बोलते हैं अलेक्जेंड्राइन पैराकीट, सिटेकुला यूपेट्रिया कहते हैं कि इस तोते की प्रजाति को सिकंदर ने मेडिटेरेनियन रीजन में स्मगल किया था पंजाब टेरिटरी से, और इसीलिए अलेक्जेंड्राइन पैराकीट कहा जाता है। डोगरी में इसको भी हालांकि कहा जाता है मानसरी तोता, शुक। लेकिन शुक की चोंच वाला जो पेड़ है वो पलाश का होता है, या ढाक का होता है, ब्यूटिया मानोस्पर्मा। यहाँ पे
लाल रंग फूलों का जरूर है, लेकिन वो चोंच की तरह नहीं है, तोते की चोंच की तरह ये फूल नहीं है, इसलिए इसको पलाश कहना गलत होगा। ये ना पलाश है, ये ना डहक है, और ये उसी परिवार का सुंदर सलोना बसंत में अपनी सौंदर्य से दर्शकों का मन मोहने वाला ऐसा पेड़ जिसको बावे वाले मंदिर में रोपित किया गया था राजा द्वारा, और कई देर तक वो पेड़ खड़ा रहा बावे वाले मंदिर के परिसर में, लेकिन उसके बाद आज वो पेड़ वहाँ से कट चुका है, लुप्त हो चुका है, लेकिन जम्मू विश्वविद्यालय में इसकी पौधारोपण हुआ है, और उसी पौधारोपण में से ये कुछ पेड़ हैं यहाँ पे जो इस वक्त पूरे फूलों से लदे हुए हैं, और कभी कौवे आते हैं, जैसे अभी कौवा एक आ गया, कार्बस प्लेंडेंस कॉमन हाउस क्रो, पहाड़ी क्षेत्र में बिलावर में रामनगर के पहाड़ियों में जंगली क्रो कॉर्बस मैक्रोनिक घास भी आ जाता है, और सिटेकुला क्रैमीरी को भी देखा गया है, रोज रिंग्ड पैराकीट, लेकिन इस वक्त तो सिटेकुला यूपेट्री ही नज़र आ रहा है, और फाख्ता भी हमने देखा, स्पाइलोपीलिया, कौवे देखिए, और ये फूलों का एक गुच्छा जो आप देखें, इस तरह के फूलों की आकृति होती है, फूल सीधे सीधे गुच्छे में निकलते हैं, शाखा पे कांटों की भरमार होती है, इन्हीं कांटों के चलते इसका नाम जो है टाइगर क्लॉ ट्री पड़ा, और लाल रंग होने से ये थोड़ा सा कोरल का आभास देते हैं, इसलिए इनको इंडियन कोरल ट्री भी कहा जाता है। ये देखिए फूलों का गुच्छा, और बहुत से फूल जो हैं वो नीचे भी झर रहे हैं इस वक्त, ये भी अरेथ्राइना वेरीगेटा का ट्री है, और इसके साथ ही आप देख रहे हैं ऊपर शुक सुग्गा तोता सिटेकुला यूपेट्रिया जो मकरंद पीने में और पंखड़ियों को चबाने में व्यस्त है, इतना खूबसूरत दृश्य फूलों से लदे हुए पेड़ पर, तोते का अनुराग, तोते का प्यार, और एक डाल पर तोता बोले, तोता फूलों का मकरंद पिए, तो दूसरी डाल पे मैना कामन मैना, और बीच बीच में कौवे, पारिभद्र फरहद या डोगरी में थुब, और वो देखिए वहां पे आया हुआ है कौवा जिसको कहते हैं कॉर्बस स्प्लेंडेंस, ये वाला कौवा कॉर्बस स्प्लेंडेंस है, काकभूषणी नाम से इसके ऊपर पूरा ग्रंथ रचा हुआ है, बहुत ही बुद्धिमान परिंदा, कौवे को खिचड़ी डालने की प्रथा, कौवे कूड़े करकट के ढेरों पर ही अक्सर हमें मिलते हैं, और हम सोचते हैं कि शायद ये कूड़ा करकट खाने वाला परिंदा है, और फूलों फूल इसको आकर्षित नहीं करते, ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं कि थुब के फूलों पर, इंडियन कोरल ट्री अरेथ्राइना वेरीगेटा के फूलों पर इस वक्त किस तरह से कौवे भी रसपान कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, इनके मन में एक अलग ही उमंग है, कौवे बोल भी रहे हैं, और डुगर क्षेत्र में अक्सर इनको देख करके
विवाहिता नारियां कहती थी उधर रोडर फलाने आना। सो अतिथि के आने का भी इसको माना जाता था कि ये अतिथि आएंगे या अपने परदेसी फौज में भर्ती पति आएंगे, उनको उनके संदेश और पितरों के रूप में भी इनको देखा गया ये कौवे। और एक कौवा नहीं है बल्कि कौओं का तांता लगा हुआ है इस वक्त थुब के पेड़ पे, और इसकी शाल जो है वो दुग्धवर्धक मानी जाती है गैलेक्टोगाग, और शोत हर भी मानी जाती है बारक चूर्ण उसका जो स्वेलिंग को ठीक करता है। इसके काले रंग के सीड होते हैं और काले रंग के बीजों को पॉइजनस विषैला माना जाता है, लेकिन मणिपुर में उनको भी बॉयल करके खाने की प्रथा है। अच्छे उबले हुए कुक किए हुए बीजों को भी खाया जा सकता है, और ये जम्मू के शिवालिक्स में स्वतः उगने वाला जंगली पेड़ ही है जिसको गार्डन्स पार्क्स में इसलिए लगाया जाता है कि इसके फूलों का सौंदर्य जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। अरिथ्रैना इंडिका के पत्ते भी तीन तीन होते हैं, त्रिपत्रक पत्ता होता है, और अगर हम गौर से इस फूल को देखने चाहे तो कुछ इस तरह की इसकी आकृति होती है। अरिथ्रैना सुबेरोसा, इसी का पुराना नाम था अरिथ्रैना इंडिका। और ध्यान से देखेंगे तो कांटे भी नजर आ रहे हैं, ये कांटे जो हैं इसीलिए इसको टाइगर क्लॉ ट्री भी कहा जाता है। ये देखिए कितने तीक्ष्ण कांटे हैं ये। जबरदस्त तेज कांटा है, ये कांटे पलाश में नहीं होते लेकिन पारिभद्र में अरिथ्रैना में होते हैं। और जो करोला है, करोला के भी देखिए आप शेप सीधी है, कहीं ये कर्वड नहीं है। अगर टेसू के फूलों को देखेंगे तो वो चोंच की तरह मुड़े हुए होते हैं और उनका जो बाहर का कैलक्स होता है वो काले रंग का वेलवेटी ब्लैक होता है, लेकिन यहाँ पे वेलवेटी ब्लैक नहीं, ग्रीन कलर का है। और उसका जो स्टैंडर्ड पेटल होती है वो बड़ी चौड़ी होती है, फ्लैग की तरह होती है, ध्वज की तरह होती है, लेकिन यहाँ पे ये भी पतली ही है। और पत्ते अगर हम गौर से देखेंगे तो इस पे देखिए ये छोटे छोटे पत्ते जो है ना निकले हुए हैं इसके, हालांकि अभी पत्ते जो हैं फूलों के बाद आएंगे, लेकिन अभी जैसे कैसे भी हैं छोटे छोटे पत्तियां निकल रही हैं। और इसकी जो बार्क है बहुत ज़्यादा फिशर्ड बार्क होती है, थिक बार्क होती है, कॉर्क की बार्क होती है, इसलिए इसका नाम है अरिथ्रैना सुबेरोसा। और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो हैं ही आयुर्वेद में यूनानी में, लेकिन उसके साथ साथ ये हनी बीज के लिए मकरंद का सोर्स, परिंदों के लिए आहार का सोर्स भी है। और ये एक नई शाख जो निकली हुई है, इसमें देखिए आप तीन तीन पत्तियों वाले पत्ते जो हैं वो हमें दिख रहे हैं, ये है अरिथ्रैना वेरिगेटा और इंडिका। सांझ में फूलों की खूबसूरती, इस तरह के गुच्छे जो हैं हमें दिखते हैं, तो कभी भी हम इसको देखें। ये फूल जो है जम्मू शिवालिक्स में पलाश से पहले खिल उठता है, पलाश के फूल अभी कहीं कहीं दिखते हैं लेकिन इतने ज़्यादा अभी खिले नहीं हैं, तो जितनी प्रचंड गर्मी होगी ब्यूटिया मानोस्पर्मा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट पैरेट ट्री जिसको डोगरी में पला बोला जाता है उसके फूल भी खिलेंगे, लेकिन ये फूल जो आप देख रहे हैं ये पलाश नहीं है, पला नहीं है, ढहाक नहीं है, ये है पंगारा पारिभद्र फरहद थुब इंडियन कोरल ट्री लेंटन ट्री सनशाइन ट्री
और इसकी खास बात जैसे पहले मैंने बताया कि इस पे कांटे होते हैं। ये खूबसूरत वसंत ऋतुराज जो आज के भौतिक दौड़ में कहीं ना कहीं सिकुड़ती जंगल सिकुड़ती हरियाली के साथ साथ ये खूबसूरत फूल भी कम होते जा रहे हैं, तो पार्क्स गार्डन्स में अक्सर या फिर जंगल में हम इनको देख सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों ने अपने वैदिक काल से ही रामायण महाभारत काल में उल्लेख किया था इन पेड़ पौधों फूलों का, और जिस तरह से इन्होंने अलग अलग भाषाओं में नाम दिए खास करके संस्कृत के नाम, वो आज भी हमें ये सबूत देते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो हैं इन पेड़ पौधों से पर्यावरण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। कालिदास ने किस तरह से अपनी रचनाओं में पलाश का जिक्र किया है, तो ये पलाश तो नहीं है लेकिन उसी जैसा दिखने वाला खूबसूरत कलरफुल ट्री है ये, और ये खूबसूरत फूल थोड़े दिन के ही मेहमान हैं, यूँ ही इनका परागण होगा फलियां बन जाएंगी, और फलियां तभी बनती हैं जब फूल मुरझा जाएंगे और फली जो है विकसित होगी, फिर उससे बीज बनते हैं। तो ये सौंदर्य जो है बेसिकली परागण के लिए है, ताकि निमंत्रण मिले कीटों को पतंगों को परिंदों को, और वो एक फूल से दूसरे फूल तक परागकणों को ले जाएं, ताकि निषेचन हो फर्टिलाइजेशन हो और फिर बन जाए नए बीज। तो हम देख पा रहे हैं ऊपर कई किस्म के परिंदे जो हैं इस पारिभद्र के पेड़ पर रिथराइना के पेड़ पर हैं। पैसराइन बर्ड्स की जो है ज़्यादा आना जाना है, हो सकता है हॉर्नबिल भी आता हो लेकिन इस वक्त तो हमें कोई हॉर्नबिल दिखाई नहीं दिया। टिट्स भी आती होंगी, फ्लावर पैकर्स की भी सुबह सुबह फ्लावर पैकर्स भी आते हैं, जैसे डाइसियम एरिथ्रोरिंकास टिकल्स फ्लावर पैकर, और माइनास आयोरा कहीं कहीं जम्मू में तो नहीं दिखे लेकिन कहीं कहीं आयोरा भी आते हैं। बारबेट्स भी आ सकते हैं, बारबेट को भी अभी तो नहीं देखा लेकिन कई किस्म की जैसे कॉपर स्मिथ है साइलोपोगान हमेशा फैला, या ब्राउन हेडेड बारबेट है साइलोपोगान, या मैगालेमा ज़ेलेनिकस। पहाड़ों में जब बुरांस खिल चुका है तो मैदानी क्षेत्रों में निचले पहाड़ों में थुब खिल चुका है और पलाश खिलने वाला है, पलाश अभी खिला नहीं है। और चूंकि नवरात्र कल से प्रारंभ हो रहे हैं 9 अप्रैल से पहला नवरात्र शैलपुत्री के रूप में हम मनाएंगे, तो पारिभद्र का फूल भी दुर्गा के या कालरात्रि मैया के गुस्से का भी प्रतीक माना जाता है, हालांकि उसमें गुड़हल का नाम ज़्यादा आता है, या हाइबिस्कस कैनाबिडस कैनाफ का आता है, हैम्प लीव्ड हाइबिस्कस लाल फूल ही होते हैं उसके भी। लेकिन पारिभद्र को भी काली माता के मंदिर में शायद इसीलिए रोपित किया गया था, भावे वाली मंदिर के परिसर में, कि दुर्गा का जो रूप है दुर्जनों का विनाश करने के लिए माता को जब क्रोधित रूप में दर्शाया जाता है तो अक्सर लाल फूलों से आराधना भी की जाती है, और लाल फूलों को माँ के गुस्से से भी देखकर इनको सम्मान से इन पेड़ों को रोपित किया जाता है मंदिरों में। तो कितना खूबसूरत मंजर है आज नवरात्रे
शुरू होने वाले हैं और उससे पहले अर्थराइना इंडिका के ये फूलों का तांता लगा हुआ है और पत्तियां अभी आ रही हैं बीच बीच में, लेकिन पत्तियां अभी आने में समय है, पत्तियां फूलों के बाद निकलेंगी और फिर ये पूरा पेड़ जो है फूलों से नहीं पत्तों से लद जाएगा, फिर हरियाली का ही आपको एक आकर्षण होगा इस पेड़ पर, लेकिन इस वक्त जो आकर्षण है वो फूलों से है। ढलती सांझ में धूप में किस तरह से ये चटक लाल, और दूर से कोई कहेगा सेमल, सेमल तो नहीं है, रेड सिल्क कॉटन ट्री, बॉम्बेक्स सीबा जिसको हम कहते हैं, वो शालमली होता है संस्कृत का, लेकिन ये पेड़ जो है अरिथ्राइना वेरिगेटा या अरिथ्राइना इंडिका पारिभद्र थुब का पेड़ है, जिसके ऊपर कांटों पे शाखाओं पे तीक्ष्ण कांटे होते हैं, इसके लिए ही इसको कंटक प्लाश भी बोला गया, कि प्लाश जैसा दिखने वाला लेकिन कांटों से भरा हुआ कंटक प्लाश, और काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ट्री भी माना जाता है और इंडियन डेकोरेटिव ट्री में आता है, और इसके सम्मान में पोस्टल डिपार्टमेंट ने डाक टिकट भी जारी किया हुआ है, जिस तरह से पलाश के फूलों के लिए भी डाक टिकट जारी हुआ है, जाबलतास के लिए भी डाक टिकट जारी हुआ है, या भरूना पेड़ क्रेटिवा अडेंस नई वेराइटी ओडोरा के लिए भी डाक टिकट जारी हुआ है, ऐसे ही रिथ्रेना वेरिगेटा या इंडियन कोरल ट्री, सनशाइन ट्री, जिसके ऊपर कई प्रकार के पक्षी मकरंद की खोज में आ पहुंचते हैं, ये लाजवाब पेड़ इस वक्त जम्मू में बसंत के सौंदर्य को सबके सामने प्रदर्शित कर रहा है।